एक और सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें देखने का अवसर दिया। रूत की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 11वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए भली स्त्री, यह विषय मनन करने के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हों। रूत जो एक परमेश्वर की भक्त है, उसके अच्छे स्वभाव के बारे में उसकी सासू माँ उसकी बड़ाई करती है, वही वचन हमने अभी पढ़ा। मेरे नगर के सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे स्वभाव की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार की बातें जब वे कहती हैं तो यह कितनी श्रेष्ठ गवाही है। आज बहुत सी महिलाएं अपने परिवार में, समाज में, नौकरी के जगहों में बिना किसी गवाही के किसी को महत्व ना देते हुए, किसी का आदर ना करते हुए घमंड के साथ अपना जीवन जीते हैं। पवित्र शास्त्र कई प्रकार के स्त्रियों के विषय में सिखाती है। नीति वचन अध्याय 6 और 24 में मीठी बातें बोलने वाली स्त्रियां, नीति वचन अध्याय 9 और 13वें वचन में झूठ बोलने वाली बुद्धिहीन स्त्री के विषय में, नीति वचन अध्याय 11 और 22वें वचन में विवेक रहित स्त्री के विषय में, नीति वचन अध्याय 12 और 4 वचन में लज्जा के काम करने वाली स्त्री और उसी समय भली स्त्री के विषय में भी लिखा है। नीति वचन अध्याय 14 और उसका पहला वाक्य में बुद्धिमान स्त्री के विषय में, नीति वचन अध्याय 11 और 14वें वचन में सम्मति या सुझाव देने वाली स्त्री के विषय में देख सकते हैं। मुझे सुनने वाले मेरी प्रिय बहनों, अपने आप को आज सुबह जांचिए कि आप किस प्रकार की स्त्री हैं। नीति वचन अध्याय 31 और 10वें वचन में भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे अर्थात मोतियों से भी अधिक है। नीति वचन अध्याय 12 और 4 वचन में भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। उत्तम स्त्री की प्रशंसा उसके पति करते हैं, यही नहीं अपने पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा और समाज के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। उनके बच्चे खड़े होकर कहते हैं कि वह भाग्यवान है, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। पौलुस प्रेरित ने पहला पत्रस अध्याय 3 और उसके 4 और 3 वचन में इस प्रकार की स्त्रियां जिनकी परमेश्वर प्रशंसा करते हैं उनके विषय में लिखा है, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। भली स्त्रियां अपने पति को जीतने वाली ठहरती हैं, उनके बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी ठहरते हैं। कितने ही परिवार ऐसे हैं जिसमें पति उद्धार नहीं पाए हुए हैं, परंतु पत्नी के बहुत समय तक उनके लिए रोते हुए प्रार्थना करने के कारण और उनके भवन में रहने वाली पत्नी के जीवन को देखकर पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बुरे कार्य को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। आज भी ऐसे बहुत परिवार हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हैं, उन्हें हम जानते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर से वाचा पाकर 4 कदम चलने पर ही अपनी गवाही नष्ट होने के कारण पति मन फिराव ना करते हुए इस संसार की रीति से अपने आत्मा को बुझाकर जीने वाले भी बहुत लोग हैं। टूटे हुए हृदय वाले परिवार भी हमारे समाज में हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, याकूब के समान साधु और तंबू में रहने वाले बने। और मुझे सुनने वाली मेरी बहन, क्या तुम एक परिवार का हिस्सा हो? उत्तम स्त्री होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बनो। अच्छे कार्यों को करके अपने जीवन का अलंकार करो। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा बड़ाई की जाने वाली एक उत्तम अवस्था की ओर यह वचन सुनने वाले बहनों को ले चाहिए। प्रभु यीशु के नाम में आमेन।